हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन बाय टीन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, बिना मतलब ऊपरी सिरे के हैं, ठीक है, ढक्कन नहीं उसमें, बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप, और उसको फोल्ड कर देना। यानी कि इस तरीके से कुछ है, रेक्टेंगुलर है। पिछला जो क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही है, ठीक। अब कि क्या करना है कि यहाँ से हमको एक्स एक्स, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर काट लेना है ताकि इसको उठाया जा सके। ये 45 सेंटीमीटर बता रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 सेंटीमीटर बता रहा है। तो अगर मान लीजिए कि हम एक्स एक्स यहां से काट दें, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ये फ्लैप। तो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। इसको यहां से मोड़ देंगे तो इन्हें कितना काट दिया जाए कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए, ठीक। बात तो वही है पुरानी वाली, क्वेश्चन नंबर 17 वाली, लेकिन हम लोग 18 कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग लिख देते हैं लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ बी एक्स, एक्स हो जाएगा। तो लेंथ कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू 45 माइनस, देखिए यहाँ से x खत्म हुए, यहाँ से x खत्म हुआ, तो लेंथ में कितना 2x की कमी आ गई ना, तो 45 माइनस 2x, अच्छा ब्रेथ में भी 2x की कमी आएगी, 24 माइनस 2x हो जाएगा, 24 माइनस 2x हो जाएगा। तो हमको मैक्सिमाइज क्या करना है, वॉल्यूम करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू h, और h यही होगा ना, x को जब ऊपर फोल्ड करेंगे, ये x काटा है तो हम फोल्ड करेंगे तो ये x सेंटीमीटर ही तो ऊपर उठेगा, यहीं से तो फोल्ड होगा ना, ये वाला भाग उठ जाएगा ऊपर, तो यही होगा ना, इतना इसकी हाइट होगी, ठीक। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो हाइट इंटू लेंथ ब्रेथ हाइट, तो एक्स लेंथ 45 माइनस 2x और ये 24 माइनस 2x। इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके, तो 45 में 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 में 24 अगर कठिन लग रहा है तो 2 इसको दे देते हैं, 90 इंटू 12, तो 12 नाइन जा 108, तो इतना हो जाएगा, ठीक। माइनस 90x है ना, 45 टू जो 90 और फिर 48x, फिर माइनस माइनस प्लस, टू टू जा 4x, ये और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 108 0x माइनस 90x स्क्वायर। अच्छा ये पहले हम लोग कर लेते हैं अंदर ही थोड़ा सा, इसको भी 1080 माइनस 138x ऐड कर दिए इसको, प्लस 4x, तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 1080x माइनस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, 138x स्क्वायर माइनस 4 2 2 2 4x² होगा, ये एक्स स्क्वायर, अच्छा 4x³। जल्दी जल्दी में गलत हो जा रहा है। अब ये देखिए, अब इसको हमको मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को हमको मैक्सिमाइज करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dv ओवर dx करेंगे तो 1080 आ जाएगा, माइनस इसको 8 2 16, 3 2 6 और 1 7 और 2 176 x माइनस, ठीक, माइनस है कि प्लस है, प्लस है, ये प्लस 4 3 12 एक्स स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब डीवी ओवर डी एक्स को हम इक्वेट करते हैं किसके, जीरो के, तो ये हो जाएगा 1080 माइनस 276x प्लस
ट्वेल्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास हो जाएगा अगर हम यहाँ से 12 ले लेते हैं कॉमन, 12 कॉमन ले लेते हैं तो बिल्कुल ये 12 कॉमन लिया जा सकता है, तो 90 हो जाएगा ये 90 माइनस 276 एक्स प्लस 276 कैसे हो जाएगा, 12 तो लेंगे ना यहाँ से, 12 कॉमन लेंगे अगर इससे तो हो जाएगा ना 23 बार में, और फिर यहाँ से 12 लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट 12 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू जीरो, तो ये 12। अच्छा अब इसको दो भाग में बांटना है तो 18 5 जै 90 एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाई दैट 12। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, 12 x माइनस 18 और x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए 12 तो जीरो हो नहीं सकता, जब भी जीरो होगा तो ये होगा चाहे ये होगा या फिर दोनों हो जाएगा, तो अगर ऐसा है तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा या फिर 5 आ जाएगा, लेकिन अभी भी अब इन दोनों में हमको पता करना पड़ेगा कि कौन मैक्सिमाइज करेगा, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या है हथियार, f डबल डैश एक्स किसका करेंगे, इसका करेंगे। ठीक, तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 276 हो जाएगा क्योंकि x 1 हो जाएगा, प्लस 24x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स की वैल्यू नहीं आई इसलिए ये दोनों रखना पड़ेगा हमको, एफ डबल डैश 18 रखेंगे तो देखिए माइनस 276 प्लस 24 इंटू 18 अगर हमको करना है तो क्या करें, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो सकता है कि ये क्या आ जाएगा, 18 4 जा 72 18 2 जा 36 36 और 7 43, ये इतना हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या देगा हमको 432, तो 12 में से 6 माइनस होगा तो 6, अच्छा 12 में से 7 माइनस होगा तो 5, अच्छा ये 3 में से 2 माइनस होगा तो 1, यही होगा ना, ठीक, तो पॉजिटिव उनको क्या देता है मिनिमम, तो हमको चाहिए नहीं एफ डबल डैश 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 276 प्लस 24 इंटू 5, तो 4 5 जा 20, और 5 2 जा 10 2, इतना, अच्छा माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे तो 6, अच्छा 5 1, ठीक है यही तो आएगा, हाँ 1 लेकिन माइनस में आएगा 156। ठीक, हाँ माइनस में आएगा ये इतना, तो ये यानी कि ये निगेटिव साइन क्या देता है मैक्सिमाइज करता है, तो यानी कि x इज इक्वल टू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट करें।
क्योंकि x इज इक्वल टू 5, 5 सेंटीमीटर हमको कटना होगा, यही है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा रहेगा, नहीं हो रहा है भाई, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा रहेगा, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्किल। एक फिक्स्ड सर्किल है, इसमें अगर हम कोई भी रेक्टेंगल बनाते हैं, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, तो इसमें तो बहुत सारा रेक्टेंगल बन सकता है, ठीक। एक तो यहाँ पे खींच देंगे, यहाँ पे खींच देंगे तो ऐसे बन जाएगा, फिर यहाँ पे खींच देंगे, यहाँ पे खींच देंगे तो ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे खींच देंगे, यहाँ पे खींच देंगे ऐसे बन जाएगा, मतलब बहुत से रेक्टेंगल बन सकते हैं। उन रेक्टेंगल में हमको बताना है कि सबसे ज़्यादा एरिया क्या देता है, स्क्वायर देता है। जो सबसे ज़्यादा एरिया होता है वो स्क्वायर का होता है। तो चलिए हम लोग एक बना लेते हैं, ये रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। अच्छा, ये रेक्टेंगल हुआ, ठीक, ये रेक्टेंगल हो गया हमारा। अब ये इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए, लेट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई एडजेसेंट साइड है, और ये हो गया सर्किल का डायमीटर, यानी कि 2r, रेडियस का दुगना, बीच में से गुजर रहा है तो, ठीक। तो अब देखिए ये क्या है, ये 90 डिग्री होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए, तो ये रेक्टेंगल होगा ना, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल का ये एंगल है, कॉर्नर एंगल। तो चलिए, तो हम क्या कर देंगे, हमको एरिया को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि x इंटू वाई, ठीक। अब या तो हमको y को x के फॉर्म में ला देना है, या फिर x को y के फॉर्म में ला देना है, जिसको ला दें हम लोग, तो हम लोग y को ही x के फॉर्म में ला देते हैं। तो y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही तो होगा, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, यानी y की जगह पर ये अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन अब इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में तो ज़्यादा ही हो जाएगा परेशानी, क्योंकि ये पहले तो नीचे जाएगा, तो इसलिए हम कुछ ऐसा ना करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए क्यों, हम अभी बताते हैं आपको, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमको मैक्सिमाइज ही तो करना है, तो अगर इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो इसका स्क्वायर भी मैक्सिमाइज हो जाएगा, और अगर इसका स्क्वायर मैक्सिमाइज होगा तो ये भी मैक्सिमाइज होगा, ठीक। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ मान लीजिए, हम टी मान लेते हैं, और इसको हम क्या अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, ये ऐसे कर देते हैं, ठीक। अब हम इसको डी टी ओवर डी एक्स कर देते हैं, क्योंकि इसका तो स्क्वायर करना, इसका डिफ्रेंशिएट करना 2a, फिर वो करके फिर मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक। अब ऐसा भी हम कर सकते हैं, इसको टी मान सकते हैं। तो आइए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आर तो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है, एक्स और वाई तो केवल वेरिएबल है, तो यहाँ पे 4 टू जा 8 आर स्क्वायर एक्स माइनस 4 एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डी टी ओवर डी एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं, तो क्या हो जाता है, 8 आर स्क्वायर एक्स माइनस 4 एक्स क्यूब भी 0 के इक्वल हो जाएगा। ऐसा करने पर हमको
क्या मिलेगा? तो देखिए ये जब हो जाएगा तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, क्या 4 कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, आर स्क्वायर बचेगा और 2 भी बचेगा, यानी कि 2r स्क्वायर बचेगा, 2r स्क्वायर यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 तो चला ही गया, x चला ही गया, x स्क्वायर बचेगा, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर दोनों भी 0 हो सकता है। तो इफ 4x इज इक्वल टू 0 और 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा होता है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 तो हो नहीं सकता है साइड, तो ये तो हम कैंसिल ही कर देते हैं, हटाइए। और अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर हो जाएगा माइनस x, माइनस यहाँ पर रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, ठीक, तो ये रूट 2r, r बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखते हैं यही होगा, तो मैक्सिमाइज है कि मिनिमाइज कर रहा है ये हमको देख लगना होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम करते हैं किसका करते हैं, इसका करते हैं, तो ये 8r स्क्वायर ही रहेगा, x 1 हो जाएगा, ठीक, माइनस 4 3 12 12 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। अब अभी भी नहीं पता चला कि है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, डबल डैस एक्स की जगह पर रूट 2r रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 8r स्क्वायर माइनस 12 और x की जगह पर रूट 2r का स्क्वायर, तो ये 8r स्क्वायर माइनस, ये देखिए रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 12 2 24 r स्क्वायर। अब जब इसको करेंगे माइनस तो 16 हो जाएगा, माइनस में 16 हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा है ये, 16r स्क्वायर, नेगेटिव साइन सोज क्या, मैक्सिमम पॉइंट, ठीक। तो x इज इक्वल टू हमारे पास रूट 2r हो सकता है, ठीक है। तो y की वैल्यू हम निकालेंगे, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर की जगह पर हम रूट 2r का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4r स्क्वायर तो ये ऐसे ही रह जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस, रूट 2 का करेंगे तो 2r स्क्वायर, 4r स्क्वायर में से 2r स्क्वायर माइनस करेंगे तो अंडर रूट 2r स्क्वायर, और ये रूट 2 अंदर ही रह जाएगा, 2 अंदर ही रह जाएगा तो रूट 2 हो जाएगा, और ये r बाहर निकल जाएगा, यानी y इज इक्वल टू भी रूट 2r ही हुआ। तो x इज इक्वल टू y, हमको यही तो प्रूव कर देना था कि x इज इक्वल टू y, यानी दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हुआ, हेंस स्क्वायर गिव्स मैक्सिमम एरिया, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देखा, अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।